पुलिस द्वारा चर्चित वर्षा पटेल हत्याकांड का खुलासा किए जाने की। जमशेदपुर के टेलको तार कंपनी तालाब से बरामद वर्षा पटेल का शव सांची थाना के एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह ने वहां लाकर डाला था। इससे पूर्व वो टेलको कॉलोनी स्थित अपने क्वार्टर में वर्षा की हत्या करने के बाद शव को प्लास्टिक बैग में बंद कर बाइक से लेकर तालाब तक पहुंचा था। पुलिस ने धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर पुलिस ने टेलको तार कंपनी तालाब से वर्षा पटेल का शव बरामद होने की गुत्थी सुलझा ली है। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 18 नवंबर को टेलको तार कंपनी तालाब से प्लास्टिक बैग में बंद बिष्टुपुर निवासी वर्षा पटेल का शव मिलने का खुलासा हो गया है। जांच के क्रम में सांची थाना के एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह का नाम आने पर छुट्टी में चल रहे धर्मेंद्र को आरा स्थित उसके घर से पकड़ कर लाया गया। पूछताछ के दौरान हत्याकांड का पूरा खुलासा हो गया। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र के वर्षा के साथ विगत कुछ वर्षों से ताल्लुकात थे, लेकिन अब वर्षा उससे पैसों एवं गांव नहीं जाने देने के रूप में उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने वर्षा से पीछा छुड़ाने के लिए ही उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया और गांव चला गया था। उसके बाकी सामान मानगो नदी में बहाने के बाद उसने वर्षा का फोन बिष्टुपुर स्थित एक झाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वर्षा का फोन बरामद कर लिया है। वहीं धर्मेंद्र के पास से वर्षा का शव रखने में प्रयुक्त बैग जैसा ही एक और बैग भी मिला है। टेलको थाना के अंतर्गत तार कंपनी के तालाब में 18 तारीख को एक बैग मिलने की सूचना थाने को प्राप्त हुई थी। वो बैग संदिग्ध इसलिए लगा क्योंकि उसमें से दो अंगुलियां बाहर निकली हुई थी। थाना प्रभारी के द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए जब बैग को बाहर निकाला तो उसमें देखा कि एक डेड बॉडी की दो अंगुलियां बाहर निकली हुई है। बैग को जब खोला तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी निकली जो डिकम्पोज्ड अवस्था में थी और तत्काल इस पर एक FIR दर्ज हुई और जमशेदपुर पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए इस घटना में जो संदिग्ध लोग थे जिनका नाम आया था उनसे पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ के क्रम में और अनुसंधान के बाद ये बात प्रकाश में आई कि उस महिला की हत्या जमशेदपुर पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो साक्षी थाना में तैनात थे उनके द्वारा की गई थी। महिला से उनका संपर्क पिछले कुछ वर्षों से था। हत्या का कारण जो उन्होंने बताया वो उन्होंने ये बताया है कि वह महिला क्योंकि इनके साथ उसका संबंध था तो उसको ब्लैकमेल कर रही थी और एक्सटॉर्शन कर रही थी और घर परिवार से वो कट ऑफ टाइप था और वो इस महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने प्लानिंग के तहत उस महिला की हत्या करने की योजना बनाई। उसने बिष्टुपुर से उस महिला को अपने टेलको स्थित क्वार्टर में लेके गया। वहाँ पहले उसके साथ हाथापाई हुई, उसने दीवार पे उसका सिर मारा, फिर उसकी गर्दन दबा के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उस महिला के बिलोंगिंग्स जितने भी थे, सामान जितने भी थे, उसको उसने सोनभद्र नदी में प्रवाहित किया और उसकी डेड बॉडी को तार कंपनी के तालाब में एक बैग में अच्छे से पैक करके प्लास्टिक के डोरे से सिल के डंप कर दिया। उसका मोबाइल फ़ोन बिष्टुपुर एरिया के अंतर्गत उसने डंप किया। उसकी निशानदेही पे मोबाइल महिला का बरामद किया गया है और अनुसंधान जारी है। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।